सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली क्रिक न्यूज़। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड, ब्यूटीफुल और हार्डवर्किंग एक्टर तब्बू जी के अपकमिंग मूवीज के बारे में, जिनकी आने वाली ये फिल्में 2022 से 2023 तक रिलीज कर दी जाएंगी। तो बिना गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है रुहान। फर्स्ट नंबर पर है भूलभुलैया 2, एक सुपरनेचुरल हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनीस बाजमी। फिल्म में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, तब्बू और राजपाल यादव लीड रोल्स में नजर आएंगे। और ये 2007 में आई प्रियदर्शन की आइकॉनिक फिल्म भूलभुलैया का सीक्वल होने वाला है, जिसमें अक्षय कुमार, अमीषा पटेल और विद्या बालन लीड रोल्स में नजर आए थे। इस फिल्म के राइटर हैं फराज सामजी और आकाश कौशिक। फिल्म को म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। ये फिल्म टी सीरीज और सिनेमन स्टूडियोज के बनने तले बन चुकी है और ये फिल्म 20 मई 2022 को थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी। फिल्म में कार्तिक आर्यन रुहान एज रूह बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं। कियारा आडवाणी रीत का रोल प्ले कर रही हैं, जो कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड है। वहीं राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे हैं और तब्बू रूह बाबा की फेवरेट भाभी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी। कोई मंजुलिका नहीं है की हवेली भूल भुलैया है। भूल भुलैया। सेकेंड नंबर पर है खुफिया, एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज। फिल्म में तब्बू, अली फजल, वामिका गैबी और आशीष विद्यार्थी लीड रोल्स में नजर आएंगे। और ये फिल्म पॉपुलर एस्पियोनेज नोवेल एस्केप टू नाउवेयर पे बेस्ड होने वाली है। फिल्म की कहानी कृष्णा मेहरा की है, जो रोम है और वो एक स्पाई है और उसका काम है इंडिया के डिफेंस सीक्रेट को बचाना, जिसे कुछ लोग बेच रहे हैं। फिल्म में तब्बू डबल आइडेंटिटी में परेशान होते हुए नजर आएंगे, जिसमें एक है स्पाई का और दूसरा लवर का। और ये फिल्म 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी जाएगी और ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड होने वाली है। फिल्म में अली फजल विलन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वो सिर्फ मेरा नहीं पूरे देश का गद्दार है। थर्ड नंबर पर है कुत्ते, एक क्राइम थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आसमान भारद्वाज, जो विशाल भारद्वाज के बेटे हैं और ये उनकी डेब्यू फिल्म होने वाली है। फिल्म में अर्जुन कपूर, तब्बू, नसीरुद्दीन शाह, कोकणा सेन शर्मा, राधिका मदन, कुमुद मिश्रा और शार्दुल भारद्वाज इंपोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। आसमान भारद्वाज ने अपने पिता विशाल भारद्वाज को कमीने, सात खून माफ और मटरों के बिजली का मंडोला फिल्मों को असिस्ट कर चुके हैं और ये फिल्म लव रंजन फिल्म्स और विशाल भारद्वाज फिल्म्स के बनने तले बन रही है। इस फिल्म के राइटर हैं विशाल भारद्वाज और आसमान भारद्वाज। फिल्म को म्यूजिक देंगे विशाल भारद्वाज और लिरिक्स लिखे हैं गुलजार ने और ये फिल्म 2022 में रिलीज कर दी जाएगी। फोर्थ नंबर पर है भोला, एक एक्शन थ्रिलर मास एंटरटेनर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं धर्मेंद्र शर्मा, जो तानाजी, सिवाय और अतिथि तुम कम जाओगे फिल्म के एडिटर रह चुके हैं। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू लीड रोल्स में नजर आएंगे और ये 2019 में ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का हिंदी रीमेक होने वाला है, जिसमें कार्थी और नरेन लीड रोल्स में नजर आए थे। फिल्म में अजय देवगन कार्ती वाला रोल प्ले करते नजर आएंगे, जो एक कैदी का रोल है। वहीं तब्बू नरेन वाला रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी, जो एक पुलिस ऑफिसर का रोल है। और इस फिल्म में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे बॉलीवुड ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए और ये फिल्म 30 मार्च 2023 को थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। फिफ्थ नंबर पर है दृश्यम 2, एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक पाठक और 2015 में फिल्म दृश्यम का सीक्वल होने वाला है, जिसमें अजय देवगन, श्रिया शरण, तब्बू और इशिता दत्ता लीड रोल्स में नजर आए थे और सीक्वल में भी यही स्टार्स नजर आने वाले हैं। वहीं इन सब के अलावा सीक्वल में अक्षय खन्ना भी नजर आएंगे, जो एक पुलिस अफसर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में अजय देवगन विजय सलगांवकर का रोल प्ले करेंगे और तब्बू एज अजय मीरा देशमुख का रोल प्ले करेंगी, तो वहीं श्रिया शरण अजय देवगन की वाइफ नंदिनी सलगांवकर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी और ये फिल्म 2023 में रिलीज कर दी जाएगी। यू नो आयशा, हम कॉलेज में थे जब ये गाना आया था। आप इतनी पुरानी है। 35 से एक दिन ज्यादा नहीं लगती है मंजू जी? लगती है। सिक्स्थ नंबर पर है दे दे प्यार दे फिल्म का सीक्वल, यानी कि दे दे प्यार दे 2, एक रोमांटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आकिब अली, जिन्होंने पार्ट 1 को भी डायरेक्ट किया था। फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, रकुल प्रीत सिंह और जिम्मी शेरगिल इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म में आशीष मेहरा यानी कि अजय देवगन आयशा खुराना की क्रेजी फैमिली से मुलाकात करेंगे, यानी कि हमें पार्ट 1 के बाद की कंटिन्यू स्टोरी देखने को मिलेगी। इस फिल्म के राइटर है लव रंजन। फिलहाल ये फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है, जिसे टी सीरीज फिल्म्स और लव रंजन फिल्म्स के बनने तले बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की आने वाली फिल्मों की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।